तक आप सब ने 9 क्लासे ली हुई है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क आया? बेटा माइक अनम्यूट कर दें जरा। जी सर, माइक अनम्यूट है सबके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी सर, आया है फर्क अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफी फर्क है जी। बॉयज में से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफी काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है। आपका नाम क्या भाई? उमर। उमर ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने किसी वजह से मैंने सिर्फ 8 क्लासेस ली हैं, एक क्लास मेरी मिस हो गई, वो मैं आज इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग भी ले लूंगी, लेकिन जितनी मैंने 8 क्लासेस ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे पहले से बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है कि अब बहुत सारी चीजें सही समझ में आती हैं। जजाक अल्लाह सर। जजाकुम अल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर दे। आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज का लेसन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर हमने कुछ नई चीज़ें सीखनी हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिनका हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जमाने से। तो आपको पता है कि लैंग्वेज के अंदर 3 ही जमाने पाए जाते हैं। सबसे पहले माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। अच्छा, माजी का पता है सबको? माजी के बीच में क्या है? पास्ट। और हाल को? प्रेजेंट। प्रेजेंट। और मुस्तकबिल को? फ्यूचर। फ्यूचर ठीक है। अच्छा, इसके बारे में इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या नई चीज जो आपने यहाँ पे इस लैंग्वेज के अंदर सीखनी है वो ये है कि माजी के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और हाल और मुस्तकबिल के लिए, दोनों के लिए अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यानी कि माजी के लिए एक टाइप का अलग, अभी उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। माजी के लिए एक टाइप के अल्फाज आएंगे और हाल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, इन दोनों के लिए एक किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? अब यहां तक ये तो आपने समझ लिया। अब आते हैं, कुछ होते हैं जमायर, जिसको आप जमीर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन पता है? जी सर। प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो जो किसी के नाम की जगह, यानी कि हमें रिपीट नहीं करना हो, फिर उसको मेंशन करने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो इसकी जमीर को कहते हैं जमीर की जो डेफिनेशन है, किताबों के अंदर भी लिखी है, लेकिन उसको हम आसान समझने के लिए जो लिख सकते हैं वो ये है कि उस इसम मार्फा। अच्छा, मार्फा का पता है आपको? मार्फा नकरा का याद है? जी सर। उस इसम मार्फा को कहते हैं जो, उस इसम मार्फा को कहते हैं जो गायब, गायब यानी माजी। ठीक है, उसके बाद मुखातिब, मुखातिब यानी प्रेजेंट। ठीक है, और मुतकल्लिम। अच्छा, उस इसम जमीर उस इसम मार्फा को कहते हैं जो गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कहते हैं डायलॉग, जब आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने जब डायलॉग करते हैं उसको कहते हैं मुतकल्लिम। ठीक है, पर
दलालत करे। ठीक है, तो ये है प्रोनाउन की डेफिनेशन के जमीर या प्रोनाउन उस इसम मारफा को कहते हैं, नकरा नहीं है, उस इसम मारफा को कहते हैं जो गायब यानी कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुखातिब जो सामने मौजूद है जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, और मुतकल्लिम जिससे बातचीत की जा रही है। इन तीनों चीजों पर जो दलालत करता है या जिनकी तरफ इशारा करता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जमीर। यहां तक समझ आ गई आपको? अब इनकी आपको आगे मैं इकसाम बताता हूं जो कि आपके जानने के लिए जरूरी, सारी नहीं बताऊंगा, जो आपके जानने के लिए जरूरी सिर्फ उतना बताऊंगा। ये नोट कर लिए सबने? सर मुखातिब और मुतकल्लिम में एक दफा बता दें दोबारा डिफरेंस इनका। जी जी, मुखातिब में मुराद ये होती है कि आपस में डायलॉग नहीं होता, सिर्फ आप किसी से कोई सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी मेरे सामने को खड़ा है तो मैं उसको कोई बात करता हूँ कि भाई किताब खोलो, तो ये मुखातिब, मैं उसको मुखातिब हो रहा हूँ। मुतकल्लिम में मुराद ये है कि मैं उसको कहता हूँ किताब खोलो तो वो कहता है मैंने खोल ली। ये जो मुकालमा है ना आपस में डायलॉग, इसको कहते हैं मुतकल्लिम कलाम से। ये पर्सन नहीं है जिसे हम कहते हैं उर्दू में मुतकल्लम, बोलने वाला, और मुखातिब जिससे बोला जाए, ये पर्सन नहीं है अरबी में। जी जी, ठीक है सर। अगर अगर थोड़ा सा हो इसकी एक एग्जांपल दे दें कोई कुरान से ताकि समझ आ जाए। मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बताई है, अभी सारी चीजें समझानी है इंशाल्लाह आपको समझ आए। ठीक हो गए, तो ये सब ने नोट कर लिए जी? यस सर। यस सर। तो मैं ब्रेस कर रहा हूँ आपके सामने ना 14 किस्म के सीगे आज आपने सीखने। सीगे आप अल्फाज, आसान अल्फाज में अल्फाज कह सकते हैं, ठीक है। पहले मैं उनके नाम आपको बताऊंगा, जिन नामों के मुताबिक आपने हर चीज को सीखना है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो नजर आ रहा है आपको या रोशनी तो नहीं आ रही? जी सर आ रहा है नजर। आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये ना नोट कर दे ये कभी। सबसे पहले वाहिद, मुजक्कर, गायब। वाहिद, मुजक्कर, गायब। उसके बाद तस्निया, मुजक्कर, गायब, ठीक है। उसके बाद जमा, मुजक्कर, गायब। अब ये तीन सीगे आपने समझ लिए, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब। पहले तो आप ये समझ लें कि वाहिद किसको कहते हैं? एक, एक को, ठीक है, सिंगल। उसके बाद है तस्निया, तस्निया कहते हैं डबल को, दो को, दो इस नान से, हाँ इस नान से, ठीक है। उसके बाद आता है जमा, तो जमा कितनों, कितने लोगों के लिए बोला जाता है? ज्यादा लोगों, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। समटाइम दो के लिए भी बोल जाते हैं जब किसी को इज्जत देनी हो, तो जैसे सिंगल भी कई बार कह देता ना कि हम आपको हुक्म दे रहे हैं, कह देते ना ऐसे, हम आपको हुक्म दे रहे हैं। अच्छा इसकी आपको समझ आ गई वाहिद, तस्निया, जमा की? यस सर। ओके, अब यहाँ पर आपने ना हर लफ्ज पे गौर करना है। वाहिद का मतलब एक, मुजक्कर किसे कहते हैं? मर्द को। यस। और गायब, जो मौजूद ना हो, नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसकी तीन किस्में, वाहिद, मुजक्कर, गायब, यानी कि एक बंदा ऐसा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, दो बंदे ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है, सब बंदे ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है। यहां तक समझ आ गई? जी सर। उसके बाद वाहिद, मुअन्नस, गायब, ठीक है। इसी तरह तस्निया, मुअन्नस, गायब। उसके बाद जमा, गायब, ठीक है। अब ये हो गए छह सीगे गायब के, यहां से लेकर
यहाँ तक ये ग्रुप बन गया गायब के लिए, ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है हाजिर या मुखातिब, ठीक है। तो मुखातिब के लिए भी यही सारे अल्फान है, यानी कि वाहिद मुजक्कर मुखातिब, तस्निया मुजक्कर मुखातिब, जमा मुजक्कर मुखातिब। मैं लिख देता हूं यहां पर वाहिद मुजक्कर मुखातिब तस्निया मुजक्कर मुखातिब जमा मुजक्कर मुखातिब, उसके बाद वाहिद मुअन्नस मुखातिब, इसके बाद क्या आएगा? तस्निया मुअन्नस मुखातिब, ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद क्या आएगा? जमा मुअन्नस उसके बाद क्या आएगा? सर फिर मुतकल्लम के सीगे होंगे, ये छह पूरे होंगे, मुतकल्लम के दो सीगे आएंगे, ठीक है। वाहिद मुजक्कर और वह मुअन्नस मुतकल्लम, यानी के ये मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज काफी है। उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर एंड तक नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं, ऊपर लिखते हैं। अच्छा जी, ये वाहे तक नजर आया कि नहीं? नहीं, मुतकल्लम वाला जो है वो ऊपर लिख दें। ओके जी, अब मैं यहां पे लिख देता हूँ वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लम, ठीक है जी। उसके बाद है तस्निया व जमा मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लम, ठीक है। अब ये टोटल कितने हो गए जी? 14 हो गए। अभी कौन भाई बोले हैं? उस्मान भाई थक तो नहीं गए? नहीं 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 सर, अभी तो काम शुरू हुआ है। पर ये आखिरी वाले काफी सारे इकट्ठे ही लिख दिए, ये इकट्ठे ही आखिरी वाले जो हैं। हाँ जी, मतलब कलम वाले हैं ये सारे, मतलब जैसे इकट्ठे लिखे हुए हैं ये सब के लिए एक ही इस्तेमाल होंगे लफ्ज? हाँ जी हाँ जी, एक ही इस्तेमाल। मैं बताता हूँ कैसे। अब ना सबसे पहले जो हमने ये जितने भी ग्रामर के अंदर सीगे आएंगे या जिन भी अस्मा के ऊपर आप बहस करेंगे या बातचीत करेंगे ना, तो वो इन्हीं 14 के ऊपर आएंगे, इन्हीं 14 के मुताबिक आएंगे, ठीक है। या तो वो वाहिद मुजक्कर गायब, यानी कि वो मौजूद नहीं है, या वाहिद मुजक्कर मुखातब हो सकता है, ठीक है, या तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लम हो सकता है। तो इन 14 में से बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे वो इन 14 के में से ही, कोई जिस तरह टेंसेज होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के जो टेंसेज होते हैं कोई भी सेंटेंस उनसे बाहर नहीं आ सकता ना। तो ये भी समझ लें कि अरबी के टेंस हैं एक किस्म के, अब उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं वो आप समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं जी जमीर, जो कि हमने उसकी क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, जमीर उस इस्म मारफा को कहते हैं जो गायब मुखातिब और मुतकल्लम पर दलालत करे, ठीक है। तो अब ये जमीर दो तरह की है। अब आपने मुझे बताना है कि जमीर अगर मैं कहूं मुत्तसिल, तो मुत्तसिल का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है, ओके। अब मैं अगर कहूं जमीर मुनफसिल, इससे क्या मुराद है? अलग अलग, ठीक है।
यानी कि जमीर मुत्तसिल ऐसी ऐसी जमीर या ऐसा इसम होगा जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल आगे पढ़ते हैं। और अगर जमीर मुनफसिल अगर मैं कहूँ तो वो ऐसा इसम या ऐसा जमीर होगा जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ा नहीं होगा, वो अलग आएगा उससे, ठीक है। अब पहले हमने पढ़ना है जमीर मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपेश हू, आपेश हू पहले लिख लें, उसके बाद हू हुमा हुम, ठीक है। उसके बाद वाहिद मोनस गायब के लिए, वाहिद मोनस गायब के लिए ही, नहीं जी हा हा ये जेर जबर की वजह से नहीं है, ये ही हा नहीं बिना से हा हुमा हुम, ठीक है। उसके बाद वाहिद मुजक्कर मुखातिब, काफ जबर का हुमा, अच्छा मैं इस पे जबर जल लगा दू, का कुमा कुम, उसके बाद काफ़ज़ेर की, का की कुमा कुन्ना, ठीक है, की कुमा कुन्ना। उसके बाद इसके लिए आएगा वाहिद मुज़क्कर मोनस मुतकल्लम के लिए या के ऊपर सिर्फ सुकून, ठीक है। और तस्निया और जमा मुज़क्कर मोनस मुतकल्लम के लिए आएगा ना, नून अलिफ ज़बर ना, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। अच्छा अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। अब पहली मिसाल है वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके लिए इसको ना आपने जुबानी याद करना है इनको, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना और या और ना, ऐसे मैं एक सांस में सुनने भी जी सर। सर ये आपने ना इनके जमीर क्या बोला था, नाम क्या बोला था इनका उर्दू में, मुझे समझ नहीं आया। मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, ये मुत्तसिल जमीरें हैं। मुत्तसिल से मुराद ये है कि ये किसी इसम के साथ मिल के आएंगी, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर लफ्ज लिखता हूं रब्बहू, रब्बहू असल लफ्ज है रब्बा और ऐसे ही है जी सर। जी सर। अच्छा अब मैं आपका ना थोड़ा सा छोटा छोटा सा सा टेस्ट भी लूंगा। रब्बा असल में क्या था? वाहिद सर नाम है अल्लाह का। इसके ऊपर शब्द क्यों लगाई है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। दो दफा रिपीट हो रहा है इस वजह से बा। हाँ जी, तो असल में क्या था? दो दफा बे था जी सर, दो दफा था बे स्नान हो गया। पहले बे के ऊपर कौन सी हरकत थी, दूसरे पे कौन सी? सर पहले यानी कि रा के साथ मिलके पढ़ा जा रहा था वो रब, उसके बाद बा के ऊपर जो खुद का जबर है उसके साथ, ठीक है। माशाल्लाह समझ आ गई ना आपको। रब्बा हू से मुराद है उसका रब, उसका किसका, उस एक बंदे का जो के हाजिर नहीं है। समझ गए, तर्जमा समझ आ गया अब आपको? जी सर। अच्छा जी सर, लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी ये जमायर आएंगी तो ये जाहिर किसी की तरफ इशारा कर रही है ना। जी सर। ठीक है, तो इस लफ्ज से पीछे
जिस जिस इसम की तरफ ये इशारा कर रहा होगा ना, हा या हु या इनमें से कुछ भी, वो वहां पर मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास किसी के पास कुरान पाक मौजूद है, इस वक्त एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको खत्म कर दूं। जी सर, कुरान पाक में आता है वाइज कॉल मूसा लिकौमिही, ठीक है, वाइज कॉल मूसा लिकौमिही, वाओ का मतलब क्या था, और इज का मतलब है जब, और जब काला कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, लिकौमिही, ली लामज़र ली का मतलब क्या है, के लिए, के लिए, के लिए। कौम किसे कहते हैं, कौम मतलब उसकी उम्मत होती है। अब इसके बाद ये जो आपके सामने हाजिर ही आ रहा है, ठीक है, हाजिर ही। अच्छा, अब सबसे पहले जो सवाल मुझसे आएगा ना, वो ये होगा कि सर आपने तो बताया है कि यहाँ पर पेश है, तो यहाँ पर तो जबर जेर आ गई है, नाम की वजह से आई है ना, कौन ली कौमी ही वजह से आया है। हाँ जी, माशाल्लाह, ठीक है ना, समझ आ गई है ना। अब यहाँ पर ये जो हा जमीर है, ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, किसकी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये बात हो रही है यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि जब भी इन जमीरों में से कोई जमीर आएगी सेंटेंस के अंदर, तो वो एक तो पहले किसी इसम के साथ मिलके आएंगी, जैसे लिकौमी ही, आप यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिकौमी ही ऐसे तो नहीं लिख सकते, नहीं, तो आप यहाँ पर इसको जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये जमीर जमायर मुत्तसिल है, ये मिलके आते हैं, ठीक है। जब जुड़ के आ गए हैं, तो अब इसका मकसद क्या है, कि ये इशारा करेगा उस बंदे की तरफ जिसकी बात हो रही है, ठीक है। लिकौमी ही से मुराद है यहां पर गायब की जमीर क्यों लाई गई है, सर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम थे नहीं ना उस वक्त नबी पाक के दौर में, ठीक है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम गायब हैं, इस वक्त मुखातिब नहीं है, मुखातिब के लिए और आएगा जुमला, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि जमीर ये वाली मुत्तसिल अल्फाज के साथ मिलके आएंगी, और इनका मकसद ये होगा कि अपने पीछे आने वाले इसम की तरफ ये इशारा करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। जी जी सर, ये जो आपने जमा मोनस गायब कुन्ना का लिखा, सर कुरान में कहीं हुन्ना भी आता है, वो किस लिए आता है, हा नून के ऊपर खवातीन के उसमें ही आता है शायद, उनके वो यहाँ पे आएगा, जी सर, जहाँ वो खवातीन की सूरह निसा के अंदर है ना, उनमें हुन्ना का लिखा बहुत आया, जी बिल्कुल ठीक है, वो जमा मोनस गायब के लिए आएगा, जी जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझ आ गई आपको, हु की एग्जांपल ले लिया आपने, अब उसके बाद है, अब गौर करना है आपने कुछ चीजों के ऊपर, यहाँ पर हुमा और यहाँ पर हुमा ये सेम है, ठीक है, तो यानी कि आपको पता चल गया कि मुजक्कर हो या मोनस हो, गायब की सूरत में मुजक्कर और मोनस के तस्निया के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं ये कहूं कि तस्निया मुजक्कर व मोनस गायब, इसके लिए मैं अगर मैं लफ्ज लिखता हूं हुमा, तो ठीक है, यस सर, तो दोनों के लिए हुमा ही इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, जी सर, ओके, तो हुमा की एग्जांपल ले लेते हैं कोई, अगर मैं यहां पर लिखता हूं रब्बा हुमा, तो इससे मुराद मर्द भी आ सकते हैं, औरतें भी आ सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटेंस किन के मुतालिक बात हो रही है, सेंटेंस रब्बा हुमा से मुराद मुजक्कर मोनस गायब दोनों आ सकते हैं, जी सर, जी सर,
किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर, अगर एक लड़का और एक लड़की हो तब भी ये यूज कर सकते हैं दो में? नहीं बेटा, फिर दो में क्यों करेंगे? सर दो ही लोगों की बात कर रहे हैं ना, मतलब है तो वो दो लेकिन एक लड़का है और एक लड़की है। हाँ जी हाँ जी, फिर भी हो सकता है। सही, यानी मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि एक लड़का है और एक लड़की है तो वो तो दो हो गए ना। जी सर, यहाँ पर हमने तस्निया मुजक्कर लड़का और मुअन्नस लड़की, ये दोनों के लिए सेम ही इस्तेमाल करना। सही, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जमा मुजक्कर गायब के लिए। अब यहाँ पर देखें, गायब के लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है हुम, लेकिन हुम लफ्ज इस्तेमाल किया है मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? हुन्ना। हुन्ना, हुन्ना। तो मुजक्कर के लिए, जमा के लिए हुम इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे रब्बा हुम। रब्बा हुम का तर्जुमा क्या करेंगे आप? ज्यादा लोगों का रब। ज्यादा मुजक्कर का, ठीक है, ज्यादा मर्दों का रब जो के यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी आप गौर करें, लफ्ज रब्बा हुम इतना सा लफ्ज है, उसका तर्जुमा कितना लंबा बन रहा है, ठीक है जी सर। रब्बा हुम। इसके बाद आते हैं वाहिद मुअन्नस गायब की तरफ। वाहिद मुअन्नस गायब से मुराद ये है कि एक औरत है लेकिन वो मौजूद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं रब्बा, तो ठीक है जी सर, उस एक औरत का रब, उस एक औरत का रब। तो तस्निया के लिए भी मैं रब्बा हूं मां कर देंगे यहाँ पे, बस उन दो औरतों के, उन और दो औरतों का रब। जी सर। जमा के लिए रब्बा हुन्ना, उन ज्यादा, ठीक है, उन सब औरतों का रब, उन सब औरतों का रब। तो अगर मैं, अच्छा अब आपके सामने इनको मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में अल्फाज लिखा करूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा सीगा। अब यहां पर मैं मिसाल दे देता हूँ रब्बा का, रब्बा का तर्जमा क्या होगा? आपका रब, आपका रब, आपका रब। औरत के लिए बोल रहे हैं आप? मर्द, लड़की के लिए। औरत के लिए कैसे बनेगा? रब्बा की, रब्बा की, रब्बा की, ठीक है। अच्छा, आम तौर पे हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जज़ाकअल्लाह, हाँ वो लड़कों के लिए होता है। किसके लिए होता है? लड़कों मतलब मर्दों के लिए, मर्दों के लिए। तो वो तो औरतों के लिए भी ऐसे बोल रहे होते सब जी, वो गलत होता है, वो मतलब जज़ाकअल्लाह बोलना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, समझ आ रही है अब आपको? अब मैंने यहाँ पर एक लफ्ज लिखा है तो ये इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ताला आप मर्द को जज़ाए हैरत आ करे, ठीक है। जज़ा का मतलब होता है बदला, अच्छा बदला, ठीक है। यहाँ पर एक मर्द के लिए बात हो रही थी, अगर मैंने औरत को कहना तो फिर क्या कहूंगा? जज़ाकिल्ला। कौन सा सीगा बनेगा इनमें से? वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, मुखातिब। ये जो गायब कह रहे हैं ना, ये इधर भी गौर करें थोड़ा सा, ठीक है। वाहिद मुअन्नस मुखातिब, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी लफ्ज को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जमा मुअन्नस गायब के लिए, तो फिर क्या बोलूंगा मैं? जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस गायब के लिए कह रहा हूँ, जज़ाहुन्ना। लफ्ज आएगा जमा मुअन्नस गायब, वो कौन सा है?
तो इसका तर्जमा क्या बनेगा? अल्लाह उन सब गायब औरतों को बदला अता फरमाए। अगर आप गायब ना भी लफ्ज इस्तेमाल करें ना, आप ये कह दें अल्लाह ताला उन सब औरतों को बेहतर बदला दे, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर आपको मैं ये कहूं कि आपने लफ्ज यही है, अब मैंने कोई जबर देने लगाई औरत के लिए कैसे बोलेंगे? जज़ाकिल्ला। जज़ाकिल्ला। अब आपने मुझे बताना है तस्निया मौनस मुखातिब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? कुन्ना। जज़ाकिल्ला। और से सुना करें, गौर से। तस्निया मौनस मुखातिब जज़ाकुमुल्लाह। नीम पे पेश नहीं आएगी, नीम पे जबर नहीं आएगी। जज़ाकुमुल्लाह या जज़ाकुमल्ला? मल्ला। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ठीक है? नहीं सर, ये ज्यादा लोगों के लिए। ये ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा मुखातिब, ज्यादा मुखातिब लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, मुजक्कर के लिए। ठीक है जी सर। मुजक्कर मुखातिब का ये सीगा बन गया। मैंने बनाना है तस्निया मौनस मुखातिब का, तो मैं लिखूंगा जबर आया। ठीक है, अगर मैं जज़ाकुन अल्लाह कहता हूँ तो फिर कौन सा सीगा बनेगा? जज़ाकुन अल्लाह जमा मौनस मुखातिब। ठीक है, माशाल्लाह, समझ आ रही है? ओके, अगर मैं ये लिखता हूं रब्बुन अल्लाह, तो अब इनमें से कौन सा सीगा है? रब्बुन अल्लाह। सर तस्निया व जमा मुज़क्कर तस्निया और जमा मुज़क्कर मौनस मुतकल्लिम, तो क्या तर्जुमा बनेगा इसका? हमारा रब अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। अब उसमें मुज़क्कर भी आ गया, मौनस भी आ गया, तस्निया भी आ गया, जमा भी आ गया, सभी आ गए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, तो कौन सा सीगा? वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम। ठीक है, समझ आ गई। इसके लिए मुज़क्कर के लिए भी यही इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? सर ये रब्बी अल्लाह बोलेंगे या रब्बी यल्ला मतलब जबर लगाएंगे? बेटा जब आपने लफ्ज अल्लाह के साथ उसको मिलाना है, ठीक है, तो ये एक ना सर्फ का एक अलग कानून है, तो उसके लिए देखा जाता है कि तीसरा लेटर कौन सा। अब अगर वो समझाऊंगा तो ये भी निकल जाएगा देन से। तो यहाँ क्योंकि या के ऊपर सुकून है रब्बी, ठीक है, तो आप सिंपल इतना समझ लें कि जब आप रब्बी अल्लाह कहते हैं तो रब्बी अल्लाह कह रहे हैं। सही, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अलिफ के ऊपर और रब्बा नाम में भी यही कोई ऐसा टेक्निक है, बापे पेश या बापे जबर? वो तो इसको मिलाने के लिए ना, क्योंकि देखें लफ्ज अल्लाह के अलिफ के ऊपर तो कोई हरकत नहीं होती। ये अलिफ जो है तो ये तो वसली है, ये तो जब एंड होता है तो फिर उसके बाद अलिफ के ऊपर फिर अल्लाह नई जो आयत शुरू होती है, फिर वो अलिफ के ऊपर अल्लाह आ जाता है। जैसे सर बा की हरकत की बात कर रही हूँ कि बापे पेश या बापे जबर, इससे भी डिफरेंस होगा। कौन सी बात पे कह रहे हैं सर? रब्बुना या रब्बाना, इसमें क्या फर्क है, ये पूछ रही हैं। रब्बुना या रब्बुना, ये आपका फाइल और मफूल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको फाइल मफूल की वजह पढ़नी चाहिए, फिर आपको समझ आएगी, पढ़ना ये समझ नहीं आएगी। रब्बू या रब्बा,
हाँ जी ये पूछ रहे हैं, अगर आप रब्बू कहेंगे तो वहां पर फाइल की बात हो रही है, रब्बा बोलेंगे तो वहां पर मफूल की बात हो रही है। जज़ाकल, ठीक है यहाँ तक समझ आ गई सबको जी? जी सर। अब यहाँ पर आपने ये सारी ज़मीर कौन सी सीखी है, ज़मीर मुत्तसिल, ये सभी ज़मीरें जो आएंगी वो किसी इसम के साथ मिल के आएंगी, जैसे अभी आपने एग्जांपल ली। अब हम उन ज़मीर को समझ लेते हैं जो ज़मीर है मुनफसिल, सीगे ये नहीं होंगे लेकिन अल्फाज बदल जाएंगे। वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जमीर, ये पहले देख लें, जमीर आएगा मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब है जुदा होना, अलग होना, ये अल्फाज के साथ मिलके नहीं आएंगे, ठीक है। वाहिद मुजक्कर गायब के लिए हुआ, ठीक है, हुआ उसके बाद वाहिद मोनस गायब हुन्ना, ठीक है। उसके बाद वाहिद मुजक्कर मुखातिब अंता अंतुम अंतुमा अंतुम, ठीक है, जमा मुजक्कर मुखातिब के लिए अंतुम। उसके बाद वाहिद मुअन्नस मुखातिब अंती अंती अंतुमा अंतुमा अंतुन्ना अंतुन्ना, माशाल्लाह, अंतुन्ना, ठीक है। उसके बाद वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए अंती आना, ओके, हर बार अंती नहीं आई यार, ठीक है। उसके बाद आता है नाहनो, सर फेमिनिज्म, ओके, नहीं कोई बात नहीं, वो हो जाता है। तस्निया जमा मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए नाहनो। अब हम ज़मीरों की बात कर रहे हैं मुनफसिल, इनमें से कोई भी जमीर है ना वो लफ्ज के साथ मेल के नहीं आएगी, ठीक है। या मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, अगर मैं यहां पर लिखूं कभी आपने कुरान मजीद में ये लिखा हुआ देखा है, रब्बा हुआ, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर हो सकता है वाहु वल्लाहु, वाहु वल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, इसका तर्जमा करके कौन दिखाए? ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताएं कि और का मानी कहाँ पे किया आपने, किस लफ्ज से किया? वाव से। और में का मानी कहाँ से किया? फी, आसमान, समावात, जमीन, ठीक है, और लफ्ज अल्लाह का मानी अल्लाह ही, समझ आ गई। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये इस्तेमाल की जा रही है ज़मीर, ये किसके किसकी तरफ इशारा कर रही है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह अल्लाह से अल्लाह की तरफ, ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर मैं अब यहाँ पर हुआ हुमा हुम, अब एक बार और आपने एक चीज गौर करनी है, तस्निया मुज़क्कर गायब और तस्निया मौनस गायब, ठीक है, तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मौनस गायब, इनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया? सेम, हुमा, हुमा, तो गायब में भी तो यही थे जी सर, समझ आ गई आपको। तो आप ये कह सकते हैं कि तस्निया और जम तस्निया
مذکر و مونس، غائب اور مخاطب. میں لکھ دیتا ہوں. تثنیہ، مذکر و مونس. جی جی ٹھیک ہے سر. متصل اور منفصل میں دونوں میں مطلب ہم نے گنتی کی ہے، چار جگہ ہما آ رہا ہے. جی جی، لیکن وہ چاروں کے لیے ہما ہی استعمال کیا جا رہا ہے، مذکر کے لیے بھی، مونس کے لیے بھی اور غائب کے لیے. سر ہمیں پھر پتا کیسے چلے گا کہ یہ کنفیوژن ہو گئی؟ ٹینس سے پتا چلے گا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں انتا تو پھر یہ مذکر کے لیے مونس کے لیے؟ مذکر. مونس کے لیے کیا کریں گے؟ پھر میں اسی کو جمع مونس غائب میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جمع مونس غائب ہو جائے گا. انتما سر. ہاں جی. نہیں، اس کو آپ نے جمع مونس غائب میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، یہ تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا، تھوڑا تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بیٹھے سر. جمع مونس غائب ہے یہ ہننا، لیکن انتا یہ لفظ ہے مخاطب کا، تو اس میں آئے گا جمع مونس مخاطب. تو کیسے کریں گے؟ انتنا. ٹھیک ہے جی. انتنا، انتنا کا مطلب کیا ہوگا؟ جمع مونس مخاطب. اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ تم سب عورتیں جو سامنے ہو. تم سب عورتیں، ٹھیک ہے. اور اگر میں لکھتا ہوں ہننا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. اگر میں یہ لکھتا ہوں نساء ہننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان عورتوں کی عورتیں. ان عورتوں کی عورتیں نہیں، نساء ہننا ان عورتوں میں سے یا ان کی عورتیں؟ ان کی کن کی عورتیں؟ ان عورتوں کی عورتیں نا. ہاں جی ہاں جی، ان عورتوں میں سے، یہ کہہ لیں ان عورتوں میں سے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے سر. یہ ضمیر منفصل ہے جی. یہاں پر لکھنے کے ٹائم نا بعض دفعہ آپ کو ایسا بھی لکھا ہو مل سکتا ہے، ایسے بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے آپ کو سر. یہ پھر بھی ضمیر منفصل ہی ہوگا. منفصل ہی ہوگا نا، کیونکہ حمزہ تو نساء کا الگ لفظ ہے نا، یہاں پر یہ لفظ مکمل ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر آپ ملا بھی رہے تو یہ خطی طور پہ ملا رہے ہیں، لفظی طور پہ نہیں مل سکتے، مل رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگر میں یہاں پر کہوں انا لا اعلم، میں لا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انا کا مطلب کیا؟ میں لا علم نہیں جانتا. مذکر یا مونس دونوں کے لیے آئے گا سر. میں نہیں جانتا یا جانتی. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں انا کو. ٹھیک ہے جی سر. اگر میں انا کی جگہ نحنو لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ ہم عورتیں نہیں جانتی یا جانتے، یا مرد نہیں جانتی یا جانتے. سر عالم نہیں رہے گا پھر، لیکن عالم نہیں رہے گا وہاں پہ، وہاں پر آئے گا نحنو لا
सर एक सवाल जी, सर ये इस एक समझे हिस्से में जमीर मुतसिल और जमीन मुनफसिल दोनों आए हैं इस जगह पे? सर नानू तो हो गया मुनफसिल और नालम जो हो गया वो मुतसिल, ये दोनों ऐसे इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं नहीं, ये जमीर नहीं है, ये जो नून है ना ये जमीर नहीं है, ये है मुजारे जमा के लिए। नहीं नहीं, जमा के लिए मुजारे के अंदर आप फेल के साथ ये लफ्ज चार हरूफ लगते हैं जी, हमजा ता या और नून, नून ठीक है ठीक है जी, ये मुजारे, ये मुजारे का सीगा ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि वो आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ना आलमो हम अब भी जानते हैं, हम बाद में भी नहीं जानेंगे, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए दोनों के लिए आप ये नॉन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर, जज़ाकर, समझ आ गई जी। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, जमीर मुत्तसिल पढ़ लिया आपने, जमीर मुनफसिल भी समझ लिया आपने। अब कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी थी उनकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा ना इशारा कर दूं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूं ये क्या लिखा हुआ जी, हाजा, हाजा का मतलब क्या था? ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मोनस के लिए? मुजक्कर के लिए। मोनस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हाजी, ठीक है। अब इनको ये है वाहिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वाहिद के लिए। अब उसके बाद करना है तस्निया के लिए, इन्हीं को दो के लिए, ठीक है। तो हाजा और हाजी ये है मुजक्कर और ये है ऐसे कर लो, हाजानी हाउलाई, हाउलाई ओके, हाउलाई ठीक है। इसी तरह मोनस के लिए हाली ही, हातानी और यहां पर भी ठीक है। अच्छा अब मुझे बताने के लिए जो हाजा था ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है दूर के लिए? करीब के लिए, करीब के लिए। अगर मैं ये कहूँ हाजा का मानी क्या, तर्जमा क्या बनेगा इसका? ये एक मर्द, राइट, सही। हाजानी क्या तर्जमा बनेगा? ये दो मर्द। हाउलाई ज्यादा मर्द, ये ज्यादा मर्द, ठीक है। हाजी ये एक औरत, हातानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सारी औरतें, ये सारी, ठीक है। अच्छा अब हाउलाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपने अब यहाँ समझ लिया कि मुजक्कर और मोनस दोनों जमा करीब के लिए हाउलाई इस्तेमाल करेंगे। जी सर, ओके। अब एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दूंगा, लफ्ज है हदीस में से है, हाउलाई इसका क्या मतलब आना? वो सब, ये सब लोग, ज्यादा मत, अहली, अहल कहते हैं घर वालों को, ये सब घर वाले। आखिर में जो या आया है मुतकल्लिम का है, मेरे घर वाले, इसका क्या तर्जमा बनेगा? ये सब मेरे घर वाले हैं, ये सब मेरे घर वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आखिर में या साकिन आया, ये कौन सा मुतकल्लिम है जरा बताया मुझे? सर ये वाहिद,
واحد واحد مذکر متکلم واحد مذکر متکلم واحد مذکر و مؤنث تمام مذکر متکلم یہ سبھی ہو سکتے ہیں تو مذکر یا مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتاؤ یہ والی ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے یہ متصل ہے یہ متصل ہے کیونکہ یہ اصل میں ایسے تھا اہل اور ایسے اہلی سمجھ گئے جی سر یہاں پر جی کہنا چاہ رہے تھے آپ اچھا اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو ہا اولائے اس میں سے آپ کو آیا مذکر اور مونس جمع کے لیے قریب کے لیے ٹھیک ہے اشارہ کر رہے ہیں آپ قریب کے لیے اب انہی جگہ پہ ہم لے لیتے ہیں دور کے لیے جو ضمائر استعمال کیے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اس کو ریز کر دو جی سر جی سر جو جو تھک گیا نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیا سر نہیں تھکے ٹھیک ہے اچھا اب ڈائگرام یہی ہے واحد تسنیہ اور جمع مذکر کا یہ پورشن ہے اور مونس کا یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے دور کے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ پڑھا تھا مذکر کے لیے ذالکا اور مونس کے لیے کیا پڑھا تھا آپ نے تلکا ماشاء اللہ تلکا ٹھیک ہے پھر یہ دور کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم واحد مذکر کے لیے ذالکا وہ ایک مرد تلکا وہ ایک عورت ٹھیک ہے تو تسنیہ کے لیے ذالکا ٹھیک ہے ذالکا اور مونس کے لیے تانکا تل کا تانی کا ٹھیک ہے اور جمع مذکر اور مونس دونوں کے لیے اولائکا ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو جہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائکا ہدم من ربہم اولائکا ہدن اچھا چلے مبارکباد کوئی ایک بتائیں ایک لکھوں گا میں اولائکا ہدن للمتقین اولائکا ہدن للمتقین ایسے آئے گا سر یہ تو آیت نہیں ہے کوئی وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اولائکا یہ جملہ بھی نہیں بنتا نا یہ قرآن کے لیے آیا ہے وہ ایسے آتا ہے دیکھیں وہ ایسے آتا ہے اس کا ترجمہ کیا کریں گے وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ماشاء اللہ سمجھ آ گئی آپ کو سر ایک سوال جی سر یہ جو آپ نے تسنیہ کا لکھا ہے دور کا زانی کا اور تانی کا سر کیا قرآن میں کہیں آیا ہے کوئی اشارہ کر دے نہیں میرے خیال سے نہیں آیا اچھا یعنی یہ عربی روزمرہ بول چال میں استعمال ہوتا ہے جی سر آپ کی آواز جی یہ روز مرہ عربی لینگویج کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں قرآن مجید ٹھیک ہو وہاں پر جہاں پہ دو سے دو کے لیے زیادہ تر استعمال کیا تھا عربی میں اولائے کا ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ٹھیک ہے ہا اولائے بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو جی سر
ओके, अब जो आखिरी चीज समझने वाली है ना, अब हमने समझना है, ये सब नोट कर लिया आपने, उसको रेज कर दूं? जी सर। ओ सर, नो सर। सर आज की क्लास की ड्यूरेशन कितनी है? बस ये कुछ 5 मिनट मजीद। ठीक। लफ्ज है मुस्लिमुन। मुस्लिमुन का मतलब क्या है? मुसलमान। और मुसलमान, अच्छा ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ मुस्लिमतुन तो इसका क्या मतलब है? ये भी मुसलमान, मुसलमान औरत, मुसलमान औरतें। इसमें क्या फर्क? मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें। जी ठीक है। तो इसकी बारे जब जब आप लोगों ने बोला ना मुसलमान, तो उसमें औरतें निकल गई हैं, औरतें ही हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर रखना है। अब हमने सीखा है, ये है वाहिद, ये है एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत। ठीक है, अब है तस्निया। तस्निया बनाने के लिए जो वाहिद का सीगा है, वाहिद का जो लफ्ज है, उसी के आखिर में, उसी के आखिर में अलिफ नून या नून लगाएंगे आप। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी, कुछ लोग माइक ऑफ कर दें सर, आपकी आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है, प्लीज माइक ऑफ कर दें बाकी लोग। अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ, तस्निया बनाने, वाहिद से तस्निया बनाने के लिए वाहिद के लफ्ज के आखिर में अलिफ नून या नून लगेगा। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, ठीक है, और मुस्लिमैनी। ठीक है, अब यहां पर देखें फर्क क्या है, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी दोनों के आखिरी नून के नीचे जेर है, समझ गए? Yes. उसके बाद अलिफ नून या नून का मैंने बताया था कि असल लफ्ज के आखिर में अलिफ नून या नून आएगा। अब यहां पर भी अलिफ नून है और यहां पर या नून है। ठीक है, इन दोनों में फर्क कोई नहीं है, ये दोनों तस्निया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब नस्बी हालत या रफी हालत होगी या जर्री हालत होगी तो उस वक्त समटाइम मुसलमान इस्तेमाल किया जाएगा, मुस्लिमैन इस्तेमाल किया जाएगा समटाइम। फर्क दोनों के लफ्जी तर्जुमे में कोई फर्क नहीं है, समझ आ गई? हालत क्या बोली है आपने, उसके नाम लिएगा दोबारा? क्या कह रहे बेटा? सर आपने अभी बताया डिफरेंस हालत का, कोई वो हालत के नाम बताइएगा। या तो रफी हालत होगी, रफा मतलब पेश, ठीक है, या नस्बी हालत होगी, नसब मतलब जबर, या फिर जर्री हालत होगी जिसका जिसको कहते हैं जेर। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, तो ये जो कंडीशन है ना, ये इनकी तब्दीली की वजह से आएगा, सेंटेंस की तब्दीली के साथ। इसका जो रूल है वो ये है कि वाहिद के सीगे के अंदर आखिर में अलिफ नून या नून लगाना है, लेकिन आखिरी अरब के नीचे जेर आएगा और अलिफ से पहले जबर आएगा, जैसे मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, यहां पर आखिर में दोनों के नीचे जेर है। जी सर, यहाँ अलिफ साकिन है और यहां पर या साकिन है, लेकिन उनसे पिछला जो हरफ है मीम, उसके ऊपर यहां पर भी जबर है, यहां पर भी जबर है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मर्दों के लिए, औरतों के लिए बाप बनाएंगे, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी माशाल्लाह, ठीक है, और मुस्लिमतैनी, ठीक है माशाल्लाह, मुस्लिमतैनी। समझ आ गई आपको तस्निया कैसे बन रहे हैं? यहां पर और यहां पर भी जबर, अलिफ साकिन है या साकिन है, और नून के नीचे जेर है, यहां पर भी नून के नीचे जेर है, तो ये तस्निया बन गया।
उसके बाद आते हैं जमा की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों में जो जमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अब देखें यहां पे फर्क क्या है कि वहां पर आखिरी हरफ के नीचे जेर थी, यहां पर आखिरी हरफ के ऊपर जबर है, ठीक है। और उसके पिछले हरफ के जमा में आखिर में वाउनून आएगा और यानून आएगा, तस्निया के अंदर अलिफ नून आएगा या यानून आएगा। फर्क यह है कि आखिरी हरफ के ऊपर जबर आएगी दोनों में जमा की सूरत में। मुस्लिमूना वो सब मर्द, ठीक है, या सब मुसलमान मर्द, मुस्लिमीना सब मुसलमान मर्द। और औरतों के लिए क्या बनाएंगे, बनेगा मुस्लिमा तैनी, तो ये आएगा ना तस्निया के लिए, मोनस की जमा बनाने के लिए आखिर में अलिफ ता आएगा, मुस्लिमातुन आखिर में अलिफ ता आएगा। असल में मुस्लिमतुन था ना, तो गोल ता को तो आपने इस ता के साथ कन्वर्ट कर दिया, तो आखिर में अलिफ का इजाफा कर दिया, तो मुस्लिमातुन आएगा। इसमें मुस्लिमतुना या मुस्लिमतीना नहीं आएगा, क्योंकि वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए अलिफ ता का इजाफा करेंगे यहाँ पर मुस्लिमातुन, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर। जमा बनाने के इसके अलावा और भी कई इकसाम है, लेकिन वो वक्त की कमी की वजह से वो नहीं अभी पढ़ सकते। तो आपको जो जानने के लिए जो जरूरी चीजें थी जमा बनाने और तस्निया बनाने के लिए वो ये हैं, काफी हैं। अल्लाह ताला सबको हामी नासिर हो, आज की क्लास यहाँ तक की है, तो होपफुली आपको अल्लाह ताला इसका जज़ाया खैर भी देगा। आपने मेहनत के साथ लगन के साथ टाइम दिया अपना, इन चीज़ों को सीखा, असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया, सबमिट करवाया, तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपको जो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा उसकी जो तरीकाकार होगा वो कोशिश करूँगा मैं कि आपको अलग अलग बताया जाए, या फिर एक शीट तैयार कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म की सूरत में, तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, अपना अपना रिजल्ट आप वहाँ पर वहाँ से देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से पहले पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है जी। अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। तो कुछ आपने सीखा है वो काफी तो नहीं है, लेकिन वो ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है ना, ठीक है, समथिंग बेटर देन नथिंग। अल्लाह ताला आपको जो आपने सीखा है उसको आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए, और इसके मुताबिक कुरान और हदीस को और अरबी जुबान को समझने और आगे समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।